मुख्यमंत्री रघुवर दास कोल्हान की अधूरी जोहार जन आशीर्वाद यात्रा को आज से दोबारा शुरू कर रहे हैं। सीएम का रथ अगले 3 दिनों तक कोल्हान प्रमंडल के ऐसे विधानसभा क्षेत्रों का रुख करेगा जहां पिछले प्रवास के दौरान वो पहुंच नहीं सके थे। आज पोटका के हाथा में स्वागत और जनसभा के साथ सीएम यात्रा ने इसका आगाज किया, जहां उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं का बखान किया तो वहीं विरोधियों पर निशाना भी साधा। सीएम ने एक बार फिर कांग्रेस पर 60 वर्षों तक देश को लूटने का आरोप लगाया तो वहीं जेएमएम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नामधारी पार्टियां झारखंड का विकास नहीं चाहती हैं। सीएम ने इन पार्टियों पर एक निर्दलीय को सीएम बनाकर झारखंड को लूटने का आरोप लगाया। वहीं जनता से एक बार फिर विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बनाने की बात कही और इसके बाद दोपहर में सरायकेला खरसावां जिले के तिलाई राजनगर में रोड शो और जनसभा होगी तो झींकपानी में भी स्वागत और सभा है। शाम 5 बजे चाईबासा में सीएम रोड शो करेंगे और वहीं दिन का आखिरी कार्यक्रम चाईबासा परिसदन में विभिन्न समुदाय के लोगों के साथ भेंटवार्ता होगी। राज होने के बाद भी सत्ता में थे, अलग राज के पहले भी लालू जी के साथ सत्ता में थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग। ये लोग ने हमेशा हमारे गरीब आदिवासियों को के बीच दुष्प्रचार कर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सिर्फ अपनी मत पेटी भरने का काम किया, गरीब आदिवासी को मौत के पेटी में। ये जब एक संथाल मुख्यमंत्री रहते हुए भी जो झारखंड लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षा में जो सी सेट लागू करने का काम किया था, 1/9/2013 को कैबिनेट में पास कर ये हमारी जनजाति भाषा में जो झारखंड लोक सेवा आयोग में हमारे छात्र छात्राओं आदिवासियों जनजाति भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए वो मान्यता को समाप्त करने का काम 1/9/2013 को कैबिनेट में पास कर ये आपके नाम पर अपना धन पेटी भरा किया और घूम घूम कर करोड़ों रुपए का सीएनटी एसपीएफ उल्लंघन करने कर ये गोला का रहने वाला सोरेन परिवार चाहे वो संथाल परगना में साहेबगंज हो, पाकुड़ में हो, दुमका में हो, बोकारो हो, धनबाद हो, देवघर हो, करोड़ों रुपए का करोड़ों एकड़ जमीन आदिवासियों का औने पौने दाम में खरीदने का काम किया। इसलिए मैं आदिवासी नौजवान आदिवासी समाज से अपील करना चाहते हो, ये जो छद्म नेता आपके आदिवासी के बने हुए इनके चरित्र को समझो। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड को मुक्त करना, तभी आदिवासी समाज का भला होगा। ये हमारे सभी में आपसे अपील करना चाहता हूं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी का सबसे बड़ा शोषक है। इसने आपका वर्षों से शोषण कर रहे हैं और दुष्प्रचार कर सिर्फ अपनी नेतागिरी अपनी मत पेटी भरकर सत्ता पेटी काते हुए जब चुनाव आते हैं इनको आदिवासी याद आता है और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं इनको पूंजीपति याद आता है। आपको याद हो मुख्यमंत्री बना जो बालू पर आपका अधिकार था, बॉम्बे के ठेकेदार पूंजीपति को लाकर बालू को ठेका देने का काम किया। हमारी सरकार आई, हमने बालू के पूंजीपति ठेकेदार को भगाने का काम और फिर से ग्राम पंचायत को अधिकार देने का काम किया। एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाकर किस प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने 4,000 करोड़ का घोटाला किया। इसलिए मिलीजुली सरकार में शासन कमजोर होता और इससे सबसे ज्यादा हानि गरीब। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान वहां मौजूद लोगों से बातचीत की सहयोगी अविनाश ने। जन आशीर्वाद यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। दुर्गा पूजा के दौरान थोड़े ठहराव के बाद कोल्हान की धरती से इसकी शुरुआत हुई है। पोटका में इस वक्त जनसभा की शुरुआत हुई है। इस यात्रा के पहले कार्यक्रम के लिहाज से अगर हम बात करें, इससे पहले भी अगर हम बात करें, एक चरण जरूर कोल्हान में ये यात्रा देखने को मिली थी लेकिन उस वक्त भारी बारिश के कारण कार्यक्रम में फेरबदल करते हुए कार्यक्रम में थोड़े बदलाव करते हुए बारिश को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक कहें या फिर आम जनता की भी बात करें तो बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आए हैं।
आप यहीं के रहने वाले हैं, पोटका में क्या क्या नया कुछ काम हुआ है जो पहले नहीं हुआ था, अभी आपको दिख रहा है कि वो काम हुआ? लाइट वाइट लगा हुआ है खंभा में, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट गांव में भी, और कोई काम? पीएम आवास तो बहुत ही हुआ है यहाँ पोटका क्षेत्र में, पीएम आवास बहुत ज्यादा ही हुआ है, मतलब इसलिए शौचालय भी पूरा हो गया थोड़ा बहुत। अगर हम कहें कि यहाँ अब फिर से कुछ काम करना हो तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो कम से शिक्षित और चाहिए, शिक्षित कराना चाहिए और रोजगार चाहिए। सही आपने कहा कि लोगों को शिक्षित करना जरूरी है। यहाँ रोजगार का अगर हम बात करेंगे तो है संभावना काम करने के लिए? हम खेती बाड़ी छोड़ दे तो और कोई रोजगार का दूसरा साधन? हाँ होगा, ऐसे तो अभी तो कुछ नहीं है लेकिन करने का इच्छा कर रहा है, करने का इच्छा कर रहा, तो ऐसे तो अभी तो कुछ नहीं कर रहा, अभी तो खेती बाड़ी अभी है, चल रहा। हाँ अच्छा, खेती बाड़ी में हमको बताइए, अगर बारिश नहीं होती है तो आपके खेतों तक पानी पहुंच पाता है? है कुछ व्यवस्था, डीप बोरिंग की बात कर रहे हैं, नहर की बात कर रहे हैं? नहीं ऐसे तो डीप बोरिंग तो नहीं है, अभी नहर नया नया बन रहा है, नहर का भी वो हम लोग का सुविधा नहीं मिलेगा ऐसे। रोजगार का यहाँ है साधन? रोजगार, रोजगार का कुछ साधन है? है, है। जैसे सरकार दे रही पोल्ट्री फार्म के लिए लोन दे रही है ना, सुअर पालन दे रही है, बकरी पालन दे रही है, बहुत तरह के मतलब भाजपा सरकार दे रही है। अगर हम ये जानना चाहें आपको कि अभी सरकार फिर से आए तो क्या कुछ काम सबसे पहले होना चाहिए जो जरूरी है आपके लिए, इस पोटका के लिए जरूरी है? जैसे शिक्षा के लिए पहले किताब आ जाना है, इसके लिए कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है सामने, कॉलेज है। एक सवाल जरूर है कि यहाँ के लोग सोचते हैं, उनका ऐसा मानना है कि शिक्षा के ग्राफ को और बढ़ाने की जरूरत है, लोगों के हाथों तक रोजगार पहुँचे ये उनके लिए जरूरी है, और इसी सोच के साथ ऐसी यात्रा में मुख्यमंत्री को सुनने के लिए, उनके संबोधन को सुनने के लिए लोग बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। हम इस यात्रा में, कोल्हान की इस यात्रा में, बीजेपी की जोहार जन आशीर्वाद यात्रा से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर को आप तक पहुंचाएंगे और आम जनता से भी जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर आम जनता के दिलो दिमाग में, मन में क्या कुछ चल रहा है।